हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आप सभी के साथ नारियल लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो कि आप लोग आसानी से दो चीज़ों से बना के खा सकते हैं। ये मैं दिवाली स्पेशल बना रही हूं, आप कभी भी बना के खा सकते हैं। तो चलिए मैं कैसे बनाती हूँ आप लोग को दिखा रही हूँ। पहले तो यहाँ पर कढ़ाई को मैं गर्म कर दी हूँ और थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच यहाँ पर पानी को हल्का सा ऐड कर रही हूँ गरम करने के लिए, क्योंकि इसमें ना गुड़ ऐड करेंगे तो खाली गुड़ ऐड करने से गुड़ जल जाता है, इसीलिए थोड़ा सा पानी ऐड कर दी हूँ। ये देखिए, मेरे पास तो बड़ा सा ढेला वाला गुड़ था, तो उसको तोड़ तोड़ के मैं इसमें डाल रही हूँ। आपके पास अगर लिक्विड वाला गुड़ है या पाउडर वाला, उसको भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक नारियल के लिए छोटा सा कटोरी में, एक कटोरी जैसे मैं यहाँ पे गुड़ ले रही हूँ। तो ये एक्चुअली आपने मीठा कितना पसंद करते हैं, तो उसी हिसाब से आपको मीठा जितना पसंद है उसी हिसाब से आप यहाँ पे गुड़ ऐड कर सकते हैं। और गुड़ को मीडियम आंच में अच्छा से मेल्ट होने तक पकाएंगे। और नारियल को ना फ्रेंड्स, पहले से ही मैंने कद्दूकस करके रख दी हूँ। अगर आप कद्दूकस नहीं कर सकते तो नारियल को तोड़ के छोटा छोटा टुकड़ा करके उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, काले वाला हिस्सा, उसको हटा के मिक्सी में हल्का सा उसको क्रश कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो गुड़ है रेडी हो गया है। तो आपको कैसे पता चलेगा गुड़ रेडी हो गया है? एक कटोरा में पानी लेके ये जो गुड़ का चाशनी है हल्का सा डालिएगा, हल्का सा कैरेमल मतलब चॉकलेट टाइप का हो जाएगा, तभी आप उसमें नारियल ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर पूरा एक नारियल को मैं ऐड कर रही हूँ और अभी अच्छा से आंच को मीडियम करते हुए कंटिन्यूसली इसको चलाते रहेंगे। तो इसको पकने में 5 से 7 मिनट लगता है मीडियम आंच में, और आंच को बिल्कुल भी हाई मत कीजिएगा, नहीं तो गुड़ जल जाएगा और इसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से कंटिन्यूसली आंच को मीडियम करते हुए चलाते रहेंगे। तो थोड़ा देर चलाने के बाद ना इसमें हल्का हल्का कलर चेंज आते हुए आपको नज़र आएगा। और ऊपर से ना आप यहाँ पे इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं भूल गई थी इलायची का पाउडर ऐड करने। बहुत ही आसान है, आप चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ का बनाया हुआ कलरफुल लगता है। तो देखिए, बहुत अच्छा से ये कलर चेंज हो गया है और अच्छा से पक चुका है नारियल भी, ये देखिए। ज़्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट टाइम लगता है इसको कुक होने में। तो देखिए, इसको हल्का सा ठंडा करके ना लड्डू बनाएंगे, क्योंकि अभी गर्म है, हाथ में आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसको साइड में रख देते हैं, हल्का सा जब ठंडा हो जाएगा ना, जैसे आप हाथ में पकड़ पाएंगे, तब इसको इसका लड्डू बना के तैयार करेंगे। मतलब हल्का हल्का गर्म होना चाहिए तब आप लड्डू बनाइएगा, नहीं तो बंधेगा भी नहीं। ज़्यादा ठंडा हो जाने के बाद हल्का सा हार्ड हो जाएगा। आप लोग पहले बार में ही बहुत परफेक्ट लड्डू बना के आप रेडी कर सकेंगे। इस तरह से अगर बनाएंगे तो बहुत ही आसान है, कोई भी बना के इसको खा सकता है। तो चलिए, हल्का सा ये गर्म है, हल्का हल्का ठंडा हो गया है, तो इसको मैं अभी गोल गोल कर रही हूँ। देखिए, आपको जितना बड़ा या छोटा जिस आकार का भी पसंद है, उसी आकार का आप लोग बना के ये देखिए। तो इस तरह से सारे नारियल का लड्डू बना के रेडी कर देंगे। आप कोई भी पूजा में भी बना सकते हैं, नहीं तो इस तरह से खाली भी बना के खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है, बाज़ार का लड्डू खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा आप अगर इस तरह से घर में लड्डू बनाएंगे तो। तो देखिए, इस तरह से गोल गोल करके, देखिए आपको जितना छोटा बड़ा चाहिए उस हिसाब से बना के इसको रखेंगे। ये देखिए, हल्का सा गर्म होगा तभी बनाएंगे लड्डू, अच्छा से बन जाएगा। तो देखिए, इतना सारा लड्डू मैं बना के रेडी कर रही हूँ। तो आई होप आज का रेसिपी आप सभी को पसंद आया होगा, बहुत ही इजी रेसिपी है, आप लोग घर में सब कोई बना के नारियल का लड्डू खा सकता है। तो आज का रेसिपी आप सभी को पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।